कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इसरा दीदी व्लॉग। और आज मैं तैयार हो गई हूँ नहा धो के, एज यूजुअल। सॉरी, मेरा स्टार्टिंग जो होता है वो इसी तरह हो रहा है। मैंने कई दिनों से नोटिस किया कि मैं यही स्टार्ट करती हूँ, सॉरी। तो अब थोड़ा अलग करेंगे। तो मैं जा रही हूँ दीदी के यहाँ नहा धो के, अपना सारी चीज़ें करने के बाद अपने घर के कामों को कर लिया है। और ये लोग तो सुबह से तैयार हो गए हैं, इतना सड़ा सा मुंह बनाता है कि मत ही पूछो। तो हम सभी, हम रिद्धि और वंश, तीनों लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए दीदी के घर, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कुछ काम के में, काम से दीदी के घर। दीदी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मतलब हम लोगों का ना एक दूसरे के बिना, एक दूसरे के बिना और कोई तो है नहीं यहाँ पे कि और कोई आके हम लोगों को देख ले, कर ले। मायके हम लोगों का थोड़ा सा दूर है, इस वजह से वो खिड़की बंद करो, इस वजह से हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। तो दीदी की तबीयत एक्चुअली थोड़ी सी ख़राब है, तो चलते हैं दीदी को देख भी आते हैं। और भी दीदी के यहाँ एक दो काम हैं, तो चलते हैं देखते हैं और आपको बताते हैं कि किस लिए जा रहे हैं। जबकि मेरी भी थोड़ी सी स्थितियाँ सही नहीं है, मुँह में ऐसा भयानक वाला छाला निकला है ना कि क्या ही बताऊँ। और रिद्धि भी देखे तैयार है, तो रिद्धि जब चोटी कर लेगी तुरंत चलेगी, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे मौसी क्या। तो ये लोग, ये इसके बाल ही कितने हैं। तो चलते रिद्धि के बाल बांध लेते हैं और फिर चलते हैं दीदी के। रिद्धि के बाल खुले होने से इतने उलझ जाते हैं, और आज इसने हेयर वॉश किया है क्योंकि आज था संडे और मंडे से, अरे हटाओ हाथ, और मंडे से इसका जो है ना स्कूल है। फिर मम्मी हमेशा और मंडे से इसको हो जाएगा स्कूल स्टार्ट, और इसकी वजह से ना बीच में कभी इसकी हेयर वॉश नहीं हो पाते। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन, जैसे दो दिन के अंदर फिर से इसकी हेयर वॉश करूँ, और बीच में मैं स्किप करके, मतलब कि स्कूल नहीं स्किप कराऊँगी, जब ये आएगी स्कूल से तब मैं इसकी फिर से हेयर वॉश करेंगे। और रुका, और इसकी मैं बहुत दूर चली जाती है। हाँ, और इसकी ऐसी चोटी बनानी पड़ती है क्योंकि इसके बाल इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि अगले दिन चोटी करने में ना मेरी याद भी आ जाती है, इस वजह से हम ऐसे चोटी। तो चलो चलते हैं दीदी के यहाँ, फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली, इधर मैं निकल चुकी हूँ दीदी के घर के लिए। तो मैंने अजीत से पूछा था, वैसे मैंने सोचा था कि पहले मैं अकेले चली जाऊँ, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी, तो मैंने अजीत से पूछा कि क्या आप मुझे छोड़ दोगे, तो उन्होंने कहा हाँ छोड़ देंगे। तो ये देखिए, कार में जितने लोग बैठते हैं ना, उतने हम लोग स्कूटी में बैठ के चले जाते हैं। चार लोग एक स्कूटी में बैठ के दीदी के यहाँ जा रहे हैं। अभी आ गए हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि आज सुबह से, अरे ऐसे मत करो, आज सुबह से बारिश नहीं हुई। कल रात भर तो खूब बारिश हुई थी, लेकिन सुबह से बारिश नहीं हुई है। और दीदी के घर में भी, जो मेरे घर में अभी नर्क फैली हुई है ना, सेम दीदी के यहाँ भी है, क्योंकि दीदी के छतों से ना बहुत ज़्यादा पानी गिरता है। तो उनके जो मकान मालिक हैं, उन्होंने वाटर प्रूफ का जो होता है ना कुछ वो करवा रहे हैं, तो इस वजह से हर जगह से पानी छू रहा था। जीजा जी कल आए थे तो उन्होंने कहा था कि घर में बहुत स्थितियाँ ख़राब हैं, तो हमने कहा नहीं चल के देखेंगे एक बार ज़रूर। और मैं इसको कह रही हूँ कि चलो दो तीन दिन तक ऐसा हो रहा है तो चलो तुम मेरे घर चलो। ओ रमियो, तो लेकिन वो जा नहीं रही है। तो अभी पूरा घर फैला हुआ है, इसके यहाँ पे भी बहुत फैला हुआ है। और अभी देवा ने मुझे, मेरे भांजे ने मुझे चाय बना के दिया है इतने क्यूट से कप में, तो अभी मैं चाय पी रही हूँ, उसके बाद कुछ कुछ करेंगे, देखेंगे क्या करते हैं। तो अभी अभी तो बस बैठे हैं और कुछ बातें किया साक्षी से, बहुत सारी बातें करनी थी मुझे। तो अभी साक्षी उधर है, अभी साक्षी जब इधर आएगी तो आपसे मिलवाते हैं। नमस्ते, आवाज़ आ रही है नानी की? मेरे कान में। सो फैमिली, देखिए अभी दीदी क्या कर रही है ना, कुछ व्यवस्था मैंने कर दी है और दीदी उधर अपना काम कर रही है। क्या कर रही है पता नहीं, मसाला पीस रही है। तो हमने जो घर में इनके ब्लॉगिंग कर रहे मौसी की, काम दे रहे
तो जो इनके अभी पूरे जगह पे सीलन आ रही है, पानी आ रहा, तो उस वजह से इसकी घर की स्थितियां तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। और दीदी की व्लॉगिंग, अच्छा पहले नानी से बात तो कर दूं, रोक लूंगे। तो इनके घर की जो अभी मेरी मम्मी का फोन आ रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा रोक दिया था। और अभी हम लोग ने सारा काम कर लिया है साफ सफाई का, क्योंकि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा मतलब कि काम वाम थोड़ा कम कर पा रही है। एक दो साल में हम लोगों को छोड़ के जाने वाले। तो इस वजह से काम नहीं कर पा रही थी। तो अब मैंने पूरी क्लीनिंग जो है होती है ना, वो मैंने हम लोगों की हो गई है, और नहा धो के मैंने कपड़े दूसरे पहन लिए हैं। और दीदी के कपड़े मुझे बिल्कुल भी नहीं आते, मैंने तीन कपड़े ट्राई किए, तीन कपड़े। तो ये उसका सबसे लूज कपड़ा था जो मुझे आया। एक्चुअली क्या होता है ना, गर्मी में आप जब काम वाम करते हो तो फिर मतलब पसीने से इतनी गंदी गंदी फीलिंग आने लगती है। तो दीदी ने कहा अच्छा कुछ भी करने से पहले नहा धो लो। तो मैंने कहा अच्छा नहा तो लूंगी, मैं कपड़ा क्या पहनूं। तो उसने फिर सबसे ढीला कपड़ा उसने तीन लिया, जिसमें से लास्ट यही आ पाया। मैंने दो ट्राई किया, वो अटक सा गया मुझे। तो मुझे लगता है कि अब इतनी बेइज्जती के बाद मुझे थोड़ा सा टाइटिंग वगैरह करनी चाहिए। तो फैमिली मैं बता रही थी कि अब हम लोग बनाएंगे खाना, और खाने में एक्चुअली 4 तारीख से सावन शुरू होने वाला है। तो हम लोग बनाने वाले हैं आज रात में मछली, ये वाली। तो वो मछली बनेगी, अंडा कड़ी बनेगा बच्चों के लिए, क्योंकि सब बच्चे जो है ना वो मछली नहीं खाते। जैसे दीदी को मैं मछली नहीं देती, क्योंकि मेरे यहाँ जो है ना नॉन वेज ऐसे खाया नहीं जाता, बस मैं खाती हूँ क्योंकि मैं पहले से खाती थी। अब जो इनके क्या कहते हैं वंश जो आगे बढ़ रहे हैं वो लोग नहीं खाते, तो मैं खिलाती भी नहीं हूँ। तो इस वजह से उन लोगों के लिए बनेगा एग करी, और मेरे हम लोगों के लिए बनेगा मछली। और 10 बजने से पहले मुझे बनाना भी है, इनकी तो बैंडी बज चुकी है घड़ी की। तो अभी 9:15 हो चुका है, 10 बजे तक मुझे बना के अपना पैक करके घर पे जाऊंगी खाऊंगी, क्योंकि घर पे भी काम लगा हुआ है, वहाँ पे भी जाके कुछ साफ सफाई करनी होगी। तो मैं ना अभी दोहरी जिंदगी जी रही हूँ, मैं के पक्ष की भी जी रही हूँ, ससुराल पक्ष की भी जी रही हूँ। तो वहाँ पे भी मम्मी से मैंने बता के आए थे कि दीदी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो जब जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम होगा, लग सकता है। इस वजह से अभी मैंने ये सब कर दिया, फटाफट खाना बनाते हैं, और अभी आपको साक्षी से मिलवाएंगे, बने रहिए। तो फैमिली देखिए इस तरीके से मैं इधर मछली फ्राई कर रही हूँ आज अभी, और इधर मैंने चावल चढ़ा दिया, उधर अंडा करी के लिए चढ़ा दिया। ये बहन जी अंडा छील रही हैं, आज अंडा उबलने में थोड़ा मैंने जल्दी कर दी थी, थोड़ा सही से उबला भी नहीं है, तो जल्दी जल्दी से बनाना भी है और टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। मुझे किसी भी तरीके से 10 बजे तक घर भी पहुँचना है। अजीत आ जाएंगे 10 बजे तक, तो जल्दी जल्दी से काम फिनिश कर लेते हैं। ए बहन जी जल्दी करो, बहन जी कर रही है अपना काम, तो चलते हैं फटाफट काम कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं। फिर घर में आने के बाद फिर नहा धो लिए एक बार, और क्योंकि दीदी के यहाँ डॉगी है ना, तो थोड़ा सा उसके बाल वाल लग जाते हैं, तो हम लोगों को अभी आदत उस तरीके से नहीं है। और मेरे एक आँख का काजल थोड़ा थोड़ा लगा, एक में कुछ ज़्यादा ही लगा है, चलो कोई नहीं। तो वहाँ पे हम लोग खाना नहीं खाए थे, खाना पैक करा के लाए थे, ये देखिए झोले में पैक करके लेके आए थे सारी चीज़ें, फिर घर में ही खाएं जिससे, तो वो घर में ही हम लोग खा लेंगे। बच्चे खा लिए, बच्चों को सुलाएंगे, क्योंकि वंश खाना खा चुके, हाँ वंश खा चुका। अदिति अभी मैंगो इन्जॉय कर रही है, अभी ये मैंगो खा लेगी तो इसको भी सुलाएंगे। मैंगो है क्या? मैंगो नींबू है, ये है असली मैंगो। वो ये कि ये मैंगो है? नहीं, असली मैंगो ये। समझ गए ये लोग। और जब तक ये लोग खा पी रहे ना, अभी मैं नहीं खा रही, अभी जब तक ये लोग खा पी रहे ना, तो फिर मैं इन लोगों के ड्रेस को प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं रहता कि लंच भी बनाना रहता है। फिर रिद्धि वंश अपने से तैयार हो जाता है, लेकिन रिद्धि को तैयार करना पड़ता है, तो रिद्धि का बड़े दिनों के बाद ड्रेस निकलना है।
तो इन लोगों की ड्रेस में प्रेस कर लेते हैं, फिर खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद फिर सोए होएंगे, क्योंकि दिन भर इतना ज़्यादा काम हो गया ना कि बहुत थकान लग रही है। लेकिन चलो, मुझे सुकून रहता है कि थोड़ी, मतलब कि इतने दिनों बाद करके भी आ जाना, तो थोड़ा सा सुकून रहता है मुझे कि हाँ मैंने कर दिया। वो अब एक दो दिन, चार दिन, छः दिन जितना भी हो सकेगा वो थोड़ा सा रह लेगी। दीदी से बिल्कुल भी अभी काम नहीं हो रहा। दीदी बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस आप लोग प्रे करिए कि उसकी जो तबीयत है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, वो भी अपने घर परिवार को अच्छे से चला सके, सही से रह सके। बस इतनी सी कामना है। और हम तो बहन है, जीवन भर उसके लिए कुछ ना कुछ, जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी तो जितना हो सकेगा उतना तो पूरी करने की कोशिश करेंगे। भाई होता है ना, ब्लड रिलेशन किसी को कहते हैं कि आज मतलब बाहरी आदमी के लिए करो ना करो, लेकिन एक ब्लड रिलेशन जहाँ जाता है ना, वहाँ एक अपना ही झुकाव हो जाता है। और मेरे, वो बड़ी है मुझसे, लेकिन मेरे अलावा हम कह सकते हैं उसके लिए कि मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है उसका। मेरे तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि ससुराल पक्ष से भी बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत प्यार करते, बहुत चाहते हैं। और मैं के पक्ष का तो हम दोनों के लिए कोई एक दूसरे का ही सहारा है और कुछ नहीं। तो बस अपने, अपनी बहन के लिए आज तक कि मेरी तबीयत खुद भी ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी हम गए। और जब हम गए तो हमको बहुत वीकनेस लग रही थी, लेकिन फिर भी हम गए। होपफुली जितना हो सकता था उतना करके आए हैं। मतलब खाएंगे, पियेंगे, सोएंगे, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो होपफुली कि आपको आज का भी ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, अब मेरे प्यारे प्यारे रिलेशन के लिए। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे लाइक को, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर करिएगा। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।